वैसे ना नॉर्मली बच्चों के सामने देखो, एक प्लेन खरीदा हो खिलौना नया और एक ये अल्फाबेट, तो बच्चे नॉर्मली इस खिलौने की तरफ जाएंगे, बट इसने ये छोड़ दिया और इसमें लगा हुआ है 1 घंटे से। मतलब इस ये एकेडमिक की तरफ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे बच्चे के कहते हैं ना पैर पालने में दिख जाते हैं, ये पढ़ाई में लग गया है, अपना खिलौना छोड़ दिया। ये लो विहान, चौक पकड़ो और इस पे ए लिखो, चलाओ ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, एक बार सिखाऊंगी दूसरी बार खुद से करना है काम। लिखो ए, लिखो इस पे ए, बनाओ ए, बनाओ बेटा ए, ये लो बनाओ बोलते बनाओ बनाओ, बोलते हाँ बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ। ये एप्पल नहीं बना बेटा, गलत बना रहे हो, इस पे ढंग से लिखो। देखो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, बनाओ। अब आपकी बारी है, अब आपकी बोलते बारी है, एप्पल लिखो, ए ए लिखो, ए लिखो। हाँ पहले ना इजी अक्षर सिखाना पड़ेगा, वन बनाना सिखाती हूँ इसको। बाबू दिखाओ, वन लिखो। ओहो टूट गई ना, कोई बात नहीं, मैंने ही जोर दे दिया। चलो वन लिखो, वन वन बनाओ, वेरी गुड, दोबारा वन वन। घुमाने दो हाथ, कम से कम पेन पकड़ना तो सीखेगा ना इस बहाने। ये देखो ऐसे, ठीक है करो साफ। ये मूंगफली खा ले, खा रहा है तो खा ले, ये दी बल्कि बढ़िया है, इसमें नमक भी लगा हुआ होता है। मैं भी खाऊंगी, आधी मम्मा, गई आधी मम्मा भी खाएगी, मम्मा को भी अच्छी मम्मा लगती है ये। मम्मा यहाँ तो कितना मर्जी घूम ले। स्कूबी, घर में ना मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे ये छिड़कना पड़ेगा। बेटा बाहर चल रहे हैं, स्मेल आएगी, तो मम्मी के घर छोड़ के आती हूँ। यहाँ कोने कोने पे छिड़कते हैं ना, सबसे ज्यादा मच्छर इधर ही कोने कोने पे छिपते हैं। बताओ बच्चे, इसकी गड्डी चला रहे थे, इसको बुरा लग गया, ये भाग के जा रहा है अब कि मेरे को मेरी गड्डी चलानी है। वो देखो वहां बच्चे चला रहे हैं, विहान की है ना कार, आपको तो पता ही है विहान बीमार है। अब मेरे को कह रहे हैं आप तू खींचो, इससे चलाई नहीं जा रही, इतने रास्ते तो खींच लाया घर से यहाँ तक। अब दयालत तो है नहीं भाई, ग्लूकोज चढ़ रखे हैं बच्चे के, जिद करके ले आया। अब इसको मैं कैसे चलवाऊं बेटा, मैं झुक झुक के कैसे चलवाऊं, रास्ते में ही खड़ा हो गया तू तो, देखो कि तुम चलवाओ, इससे नहीं चल रही खुद से। आलू मेथी की सब्जी के साथ रोटी भी हन ने खाई नहीं, उसके बाद ऑमलेट बनाया वो नहीं खाया, फिर पापा जी ने ना ये फ्रेंच फ्राइज बना दिए, क्या पता ये खा ले, और विहान ने ये खा लिए थे। और फिर देखिए, फिर रात को 6 साढ़े 6 बजे मैं ट्यूशंस पढ़ा रही थी, साथ में आज तो मम्मी ने भी थोड़ा सा पढ़ाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह 6 बजे उठी थी, 2 घंटे निकल चुके हैं, 8 बज चुके हैं, सुबह से कोई काम नहीं हुआ, मेरा विहान मेरे साथ उठ गया और अब सो गया वो। उस वो मतलब वो जब सुबह सो के उठता है ना बच्चा, उसको बस मैं चाहिए होती हूँ, मैं कि मैं पास बैठी रहूँ कहीं ना जाऊँ। तो बस अब 8 बजे मम्मी ने मुझे कुछ सामान की लिस्ट बताई है कि ये सामान खत्म हो रहा है, जाके दुकान से ले आ, मैं ले आती हूँ। और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ना वो जो टेबल थी वो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वाला वो महंगा लिया, तो देखिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ना वो जो स्टडी टेबल थी ना वो 950 रुपये की बोली, और जब मैं खिलौनों वाली दुकान पे गई उन्होंने वही स्टडी टेबल 400 रुपये की बोली, है ना, तो कितना फर्क है, डबल रेट है ना। पापा जी ले गए थे मेरे को उस दुकान पे, मैं तो पहली बार गई थी, बोलते इस दुकान पे देख अच्छा सामान मिलता है। लेकिन एक बार बताऊँ, कोई मैं अगर एक बिजनेस वाली हूँ ना, बिजनेस करती हूँ, तो मैं एक बार किसी एक कस्टमर को ना मैं ज्यादा पैसा लेके ना कभी मैं फायदा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि आपने ना लॉन्ग टर्म के लिए वो कस्टमर खो दिया है। क्योंकि देखो अब मैं कभी नहीं जाऊंगी ना, अब ये चीज सोचिए कि दुकान पर अगर कोई दुकानदार अगर पैसे ज्यादा ही ले रहा है तो मजबूरी बात अलग होती है, वरना आज के टाइम में ऐसा नहीं है, इतनी दुकानें हैं। अब मैं किसी और दुकान पे जहां मुझे रीजनेबल रेट लगेगा वहीं पर ही जाके शॉपिंग करूंगी ना, है ना, तो इससे आप ही का नुकसान है, बिजनेस आपका डाउन जाएगा, क्योंकि आपने कस्टमर खो दिया है ना, एक बारी में क्या कमा लिया आपने, बल्कि लंबे टाइम तक कस्टमर आपके साथ चलता। तो देख सकते हो मम्मी विहान सो गया, वरना मुझे लगा था विहान को मैं लेकर भी नहीं जा सकती थी, अभी वो जिद्दी करता, क्योंकि धुंध कितनी ज्यादा है अभी भी, देखो ना मेरे को लग रहा है अभी फरवरी फरवरी तो ऐसा ही मौसम रहेगा, दिन में तो इतनी गर्मी हो जाती है, तो फटाफट जाके साइकिल में हवा भरवानी है, वरना मैं साइकिल में चली जाती, टाइम बचता। बाकी सूरज निकलना शुरू हो गया है, यहाँ पर तो चौक 10 रुपए की है, देखिए ना प्राइस,
खोल के भी देखती हूँ। यही इतनी चौक थी, मैं कल लेकर आई थी 20 रुपए की। चेक करूँगी प्राइस कंपनी अलग हो में भी। सबसे पहले तो एक पैकेट हम ले रहे हैं शुद्ध देसी खांड। एक पैक लेंगे हम यहाँ पर माचिस का, लाइटर ख़त्म होने वाले हैं, इधर रख देती हूँ। एक पैकेट मैं यहाँ पर ले रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर का। मम्मी के घर के लिए तो मैंने खरीद लिया था, मेरे घर पर नहीं था। मम्मी के लिए तो मैं शायद ये वाला लेके गई थी उस दिन, अच्छे वाला, ये सर्फ एक्सल है ना। वैसे ये भी ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइस इसका कम होगा। ये 1 किलो 71 रुपये का है और ये वाला कितने का है, 1 किलो 130 रुपये का है। कोई नहीं, मैं तो इससे ही काम चला लूँगी, ये वाला ले लेंगे। कपड़े धोने के लिए भी मैं यही वाली ले लेती हूँ। मम्मी के लिए मैंने ये वाला लाके दिया है मम्मा को, ये पूरा पैक। अब हम ये वाला ट्राई कर लेंगे। इसके अलावा मुझे चाहिए बर्तन धोने का विम बार। यहाँ पर ले रही हूँ एक बोतल और विहान की दूध की ले लेते हैं। दो होनी चाहिए, एक ना कई बार सिंक में पड़ी होती है तो दूसरी ले लेंगे। एक यहाँ पर दो ले लेते हैं, ये तो खाते ही हैं। सोल्टेड पीनट्स कितने का है ये पैकेट, एक रेट नहीं, हाँ 20 रुपए का। तो 20-20 के दो पैकेट मैंने सोल्टेड पीनट्स के ले लिए हैं। एक पैकेट हम यहाँ पर लेंगे रस, काफ़ी टाइम हो गया। इस वाले रस का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं ये वाला खाना पसंद करती हूँ। पिछली बार मैं दूसरा ले गई थी, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। आई थिंक मैं कौन सा लेकर गई थी, अब है भी नहीं यहाँ, ये वाला, ये छोटे वाला ले गई थी, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, फीका फीका सा लगा। इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया है इसका। यहाँ पर 4 पैकेट मैं भुजिया के ले रही हूँ, ये वाली नमकीन भुजिया मेरी मम्मा खाते हैं। लास्ट टाइम मैं दूसरा ले गई थी, मम्मी बोलती ये वाली नहीं, जो पहले लाई थी वो लेकर आई हो, ये वाली पसंद करते हैं नमकीन भुजिया। मैं दिखाती हूँ लास्ट टाइम मैं कौन सी लेकर गई थी जो मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मैं लेकर गई थी ये वाली, ये वाली आलू भुजिया, इसमें थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है, बोलते ये वाली लेकर आया कर। ये देखिए, मैं काफ़ी पहले ना यूज़ करते थे इस तरीके के साबुन, ना शुद्ध तेलों से बना बिना चर्बी के सफ़ेद धुलाई का साबुन, ये येलो येलो इसमें भी आया करता था ना, तो ये मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ये 140 का है, देखते हैं और देखते हैं कित रेट वाइज। नीम शक्ति, चलो ले लेते हैं, काफ़ी लंबा चलेगा ये, हैवी है ना टिक्की। एक मैं लूँगी 1 किलो का पैकेट, घर पे भेलपूरी बना के खाएंगे, है ना, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ अच्छा लगेगा भेल में ना, ये वाली अच्छी लगेगी। ये वाली 4 पैकेट ले लेते हैं, जब भी बनाएंगे ना ये वाली भुजिया ऐड करेंगे। ये वो वाली है सिंपल, ये वाली डलती है भुजिया में ना। एक और है, एक और, एक और, एक और, एक और, देखने दीजिए। ये वाला तो बड़ा पैकेट घर में रखा हुआ है, पूरा बड़ा वाला, तो ये भी डल जाएगी भेल में। हाँ काफ़ी है, बस इतना ही बहुत है। यहाँ एक पैकेट मैं विहान के लिए काजू ले लेती हूँ। हाँ कल काजू काजू कर रहा था। एक पैकेट ये दे दीजिए चोकोस का, सबसे ऊपर रखा है ना। अच्छा वो भैया चले गए, भैया ये उतार दो, ये चोको सबसे ऊपर है ना, चोको चोको चिप्स वाला है वो निकाल दीजिए। हाँ सबसे ऊपर वाला। ये कॉर्नफ्लेक्स तो रखा हुआ है, विहान ये भी खाता है कॉर्नफ्लेक्स, बट अभी पैक है। मैं ये वाला इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मीठा थोड़ा सा ज़्यादा, एक चॉकलेट का अल्टरनेटिव मिल जाएगा, क्योंकि चॉकलेट छुड़वानी है, चॉकलेट की आदत। तो ये हम विहान को दूध में डाल के दे दिया करेंगे। और इसका प्राइस मैंने अभी नहीं देखा, ये है 190 का और एक्सपायरी भी है। भेज सबका कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। ये लीजिए, लाओ दे दीजिए। तो ये देखिए 2 बैग इधर और ये वाला इधर। अब हम चलते हैं विहान के उठने से पहले,
घर पहुंचना है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी फूड हैबिट्स है ना, मैं इसीलिए थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा मोटी इसीलिए नहीं होती क्योंकि वॉक हो जाती है, पैदल चलना हो जाता है। अभी तो सो के उठी थी, बालों में कंघी भी नहीं करी, पहले दुकान पे आ गई। मैं कहा सारा सामान बाय कर लेते हैं घर के लिए जो चाहिए था। मम्मा ने जो जो चीज़ें बताई थी वो तो खरीद ही ली, दो चार फालतू ही ले ली। मम्मा देख लो, एक्चुअली अब ये देखो ये जगह कितनी खाली हो गई है ना, सामान देख लो, जो जो आपने मंगवाया था वो भी ले आई। आपने कहा था ना बोतल, ये देखो विहान की एक और ले आई, दूध की बोतल बोनी की है, एक आपने मंगवाई थी माचिस, ठीक है, ये खांड भी ले आई आपने बोली थी, ध्यान से कहीं गिर ना जाए, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, मैं पर्स उतार दू, मेरे हाथ दर्द करने लग गए, पैदल पैदल सामान लेकर आई हूँ ना। ये पीनट्स तो मैं अपने लिए लाई हूँ विहान के लिए, ठीक है। ये और देख लो आप, ये देखो ये ले आई मैं, पकड़ो विम्बार, हाँ विम्बार भी आ गया। इसके बाद ये मैं टिक्की कुछ फालतू ही ले आई, मैं कहा चल जाएंगी काम आ जाएंगी, तो काम आ है ना है, ये वाली भी घर में रख लेना आप, वहाँ पे रख लेना दो, यहाँ रख, वहाँ रख लेना दो, मुझे दे देना, ठीक है। इसके अलावा देखो मम्मा ये है छोकरा साबुन लेकर आई हूँ मैं, ये साबुन है थोड़े बहुत हाँ, कपड़ों में ये कभी कभी काम आ जाएगा ना आराम से, ठीक है, तो ये भी ले आई मैं। इसके अलावा आप कह रहे थे रस खत्म हो गए, मैं एक पैकेट तो रस ले आई, ठीक है। और आपने बोला ये तो मैं विहान के लिए कौन वो चोकोज ले आई, वो कॉर्नफ्लेक्स खाता है, मैं कहा चोकोज वाले खा लेगा है ना, दूध में डाल के पसंद आएंगे ना बाबू को। ये आपने भुजिया बोली थी कि मेरे को ये वाली पसंद है, हाँ हल्दीराम की, देखो ये वाली चार पैकेट ले आई मैं, पसंद है ना आपको चाय के साथ, आप ये वाली ले लेना, आप पूछ भी रहे थे। ये तो बाकी चीज तो मैं अपने लिए लाई हूँ, यहाँ के काजू भी देखो ज्यादा नहीं लाई, थोड़े से लाई हूँ, थोड़े से ये खत्म हो जाएंगे फिर और ले आऊंगी। सामान पसंद आया मम्मी, सारा पसंद है, दूध का सामान है, जरूरत का ले आई सारा। कल तो मेरे साथ मम्मी ने भी बच्चों को पढ़ाया, आपको पता होगा मेरी मम्मी एमए बीएड है, पढ़ाई अच्छी करी हुई है, स्कूल में भी काफी साल मम्मी ने टीचिंग दी है, जिस स्कूल में हम बच्चे पढ़ते थे ना तीनों भाई बहन, उसी स्कूल में मेरी मम्मी टीचर लगी हुई थी, कई सालों तक पढ़ाया मेरी मम्मा ने, तो टीचिंग में मेरी मम्मी का बहुत शौक है, क्योंकि मम्मी ने बीएड इसीलिए करी थी ताकि वो टीचर बन सके। तो मम्मी पहले भी जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तब मेरी मम्मी मेरा ना बहुत सपोर्ट देती थी, जैसे मैं मान लो ज्यादा बच्चे हो जाए तो मेरी मम्मी क्या करती थी, चार बच्चे अपने साथ बैठा के उनके टेस्ट चेक कर लेती थी, काम दे देती थी, उनसे सुन लेती थी, तो एक बहुत हेल्प हो जाती है ना। तो कल भी देखो बच्चे को ना कुछ पहाड़ों की का काम था, टेबल दे रखी थी, तो सबके मम्मी ने लिख भी दिए, चेक भी कर दिए, कुछ सुन भी लिए, संस्कृत का काम भी सुन लिया, इंग्लिश का भी सुन लिया, मैं इतने बच्चों को मैथ करवा दिया मैंने सारे बच्चों को, तो ऐसे ही मिलजुल के काम होता है। तो बड़ा अच्छा लगा मम्मी को टीचिंग, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कल, आज वो आएंगे ना जब बच्चे, मैं कैसे पढ़ाती है मेरी मम्मी टीचिंग का, ठीक है जी। तो इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।